इसलिए इनसे, ये है हमारे दुखी भैया जो कि फर्जी न्यूज दिखाने में एकदम एक्सपर्ट है। दिन भर ये घूमते रहते हैं, अब फर्जी न्यूज दिखा दिखा के दर्शकों को परेशान करके रख देते हैं। आइए देखते हैं। सामान लाओ हमारा। Oh no! सर वहाँ पे क्या कर रहे थे? अरे यार अंदर देखने गया था, कोई हक तो नहीं रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, कोई न्यूज मिल ही नहीं रहा है, तो मैं ये पता करने गया था, कोई हो सकता है न्यूज मिल जाए, अगर कोई हकता रहता तो वो स्वच्छ भारत अभियान का तौहीन ही में आता ना भाई। चलो फिलहाल कोई हक तो नहीं रहा है, न्यूज मिला नहीं, चलो देखते हैं कहीं एक आध दो न्यूज मिल जाए तो आज का काम हो जाए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपको सबसे पहले न्यूज हमारी चैनल दिखा रही है, और जैसा कि अभी भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हम सब हमारा न्यूज सबसे पहले पहुंचा है आपको दिखाने के लिए। देखते रहिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर जैसे ही लड़खड़ाया हमने घर से ही देख लिया था, और जैसे ही हमने देखा और आया यहाँ पे, देखिए दोनों पायलट अभी दोनों पायलट जख्मी है। देखिए बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं, पायलट से चलिए मिलते हैं और पायलट से पूछते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आइए हमारे साथ। पायलट जी आप बताइए, आपका हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? दोस्त मेरी साइकिल थी। पैसा पकड़, जो मैं बोलता हूँ वही करना, ठीक है? लेट जा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पायलट बार बार बेहोश हो जा रहा है और ये बता नहीं पा रहा कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। मिलते हैं दूसरे पायलट से। हाँ तो पायलट जी आप बताइए, आपकी क्या हालत है? पानी 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 पानी, पानी। जैसा कि आप देख रहे हैं बचाव दल अभी पानी तक देने नहीं पहुंचा है और हमारा पायलट अभी तक बेहोश है, पानी मांग रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं बचा है। पता नहीं क्या हो गया है इस सरकार को और समझ में नहीं आ रहा है। समझिए हेलीकॉप्टर वहां पे पड़ा हुआ है और यहां पे ये लोग, यहां पे दोनों लोग को आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दोनों लोग कैसे करा रहे हैं। और ये जब इतना करा रहे हैं कि कोई बचाव दल अभी तक नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पानी, ओह बॉस का फोन आ रहा है। पानी। हाँ बॉस। हाँ कहाँ हो? अरे बॉस यहाँ पे एक साइकिल वो गिर गई थी ना, उसको हम हेलीकॉप्टर बोल के फर्जी न्यूज दिखा रहे हैं। अरे इडियट है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ बढ़िया न्यूज आई हुई है। ओके बॉस अभी हम आते हैं, आते हैं बॉस। ओके ओके ओके, ये इडियट पता नहीं कहाँ टहलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन के साथ रिपोर्टर, रिपोर्टर के साथ कैमरामैन। देखिए दोस्तों हमें अभी पता चला है कि यहाँ के वातावरण में नमकीन पाया गया है और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ के नमकीन बनाने वाले इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पानी का इस्तेमाल करते हुए वो करोड़पति बन गए इसके केवल मूतने से। ये ऐसा आदमी है, देखिए यार दोस्तों ये कैसा आदमी है। सर क्या आपको पता है कि आपके मूतने की वजह से यहाँ पे जितनी सारी नमकीन की फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे जो ये लगा रहे हैं भिखा जी और ये हल्दीराम और ये मूंग दाल जो बन रहा है आपका, ये आपके मूतने की वजह से ही वो लोग बिना नमक के ही नमकीन बना दे रहे हैं, आपको पता है? क्या बोल रहा है मैं? हाँ सर, हाँ सर, ये बात एकदम सही है, मेरी बात सुनिए आप सर, आपके मूतने की वजह से ही यहाँ के वातावरण में सब नमकीन पाया गया है, आपको पता है? अभी साले से लेता हूँ कमीशन अपना।
जैसा कि देख रहे हैं ये कमीशन भी लेने जा रहे हैं, जैसा कि जाइए जाइए सर, जल्दी से जाइए, आप कमीशन लेके आइए। जैसा कि देख रहे हैं कैमरामैन के साथ रिपोर्टर, रिपोर्टर के साथ कैमरामैन, वो आदमी जो मूत रहा था वो गया अपना कमीशन लेने। ठीक है सर। दोस्तों जैसा कि आप हमारे साथ लगातार बने हैं और आज हम आपको ऐसी न्यूज दिखाने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अले फर्जी न्यूज दिखा रहा है, मारो साले को, मारो। दिखाऊंगा मैं, मारो और मारो। फर्जी न्यूज दिखाता है, मारने का सब भाई, इस बार सही दिखा दूंगा, भाग मामे के। जैसा कि हम आपको बस दिखाने ही वाले हैं, चलिए हम शेर से मिलते हैं। इस शेर को देखने के लिए बहुत सब बेताब थे। देखिए ये शेर की हरकत देखिए, हरकत। अब हम चलते हैं, नहीं तो अगर ये शेर शेर का सकड़ा छूटा तो नशा उतार देगा। चलते हैं, बाय। और इसी बॉम्ब, और देखते हैं किस ग्रुप ने ये बॉम्ब रखा हुआ है। और ये जो बैग है वो रेड कलर का बैग है और इस पर व्हाइट व्हाइट कुछ लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से लगभग ये 6 इंच का बैग होगा, 6 इंच की चौड़ाई, 12 इंच की लंबाई ये बैग है। और देखते हैं, और इसमें बॉम्ब इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि फटते ही सबकी गांठ फट जाएगी अगर ये बॉम्ब फट गया। देखते हैं कब ये फटता है, थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, बम पूरी तरह से फट चुका है और मैं भी पूरी तरह से फट चुका हूँ, गांठ फट चुकी है और सब ये सब सब तहस नहस हो गया है। और हमारे साथ आप बने रहिए, अगर अगर हम जिंदा रहे तो कल का न्यूज़ ज़रूर दिखाएंगे। और हमने आपके लिए इतना किया, आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, रेड बटन जरूर जरूर दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो चले जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और कमेंट में जो भी कमी हो हमें बताइए आप, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाय।